भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत आज आगरा किसान महापंचायत में पहुंचे। महापंचायत में पहुंचने के दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं के ऊपर मंथन किया और आगरा में किसानों की जो जमीन है प्रशासन द्वारा अधिग्रहण की गई है उसके खिलाफ एक महापंचायत की और आगे की रणनीति की। वहीं मंच पर ऐसे ऐलान किया गया कि अगर अधिकारी मौके पर नहीं आएंगे तो जिला अधिकारी कार्यालय पर ट्रैक्टरों से कूच कर देंगे, जिसके बाद आगरा के प्रशासन अधिकारी राकेश टिकैत के पास पहुंचे और बैठकर बात की। वार्ता के बाद राकेश टिकैत को आश्वासन दिया कि जो किसानों की समस्या है उन्हें जल्दी पूरा किया जाएगा। वहीं वार्ता के दौरान राकेश टिकैत ने बताया कि यहाँ आगरा में किसानों को सबसे महंगी बिजली मिल रही है, उनकी जमीनें बिना बताए अधिग्रहण की जा रही हैं, जो एडीए ने बिना बताए अपने जो एडीए के नाम कर दी गई हैं और तमाम जो किसानों की परेशानियाँ प्रशासन ने नहीं सुनी है। एक तरफ आगरा में बाढ़ आ रही थी, दूसरी तरफ बिजली विभाग बिल वसूली कर रहा था, उसके खिलाफ आज आगरा में महापंचायत हुई। महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत गरजते नजर आए। ब्रजकिशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। आज हम हैं बागपत जिले के चमरावल गांव में, जहां पर हिंडन नदी ने अपना रौद्र रूप धारण कर रखा है। हिंडन ने करीब किसानों का हजारों बीघे जलमग्न कर दिया खेत, जिससे किसान काफ़ी परेशान है। हिंडन नदी से हरसिया, कहरका, चमरावल और गढ़ी कलंजरी समेत दर्जनों गांव हिंडन नदी के रौद्र रूप से परेशान है। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है, लेकिन जिला प्रशासनिक अधिकारी अभी तक किसानों की सूद लेने नहीं पहुंचे हैं। अब देखना यह है कि सरकार किसानों के लिए मुआवजे के लिए क्या प्रबंध करती है। जनता टीवी, बागपत। हर घर नल योजना के तहत सरकार हर गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने के लिए हर घर नल लगा रही है। उसको लेकर के गांव में जो खरंजा को खोद करके उसमें पाइप डाली जा रही है और डालने के बाद छोड़ दिया जा रहा है, उससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हम एक गांव में यहां पर पहुंचे हुए हैं, ये है देवकली ब्लॉक का कुसनी खुर्द गांव, जहां पर देखा जा रहा है कि खरंजा को खोद करके छोड़ दिया गया है, उसे पाइप डाल करके अपना व्यवस्था तो कर दिया गया, लेकिन उसका उस खरंजे को बनाया नहीं गया, जिससे कि यहाँ पे रहने वाले को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसी तरह से एक योजना को पूरी करने के लिए दूसरी योजना का पलीदा लगाया जा रहा है। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए, गाजीपुर। कानपुर देहात में आयुष्मान योजना के नाम पर चल रहा था फर्जीवाड़ा और घोटाला। राज्य स्तरीय टीम की जांच में हुआ खुलासा, 3 अस्पतालों की आईडी की गई सीज। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के कस्बा अकबरपुर का है, जहां पर आयुष्मान योजना के नाम पर धांधली और फर्जीवाड़ा चल रहा था। राज्य स्तरीय टीम जब जांच के लिए पहुंची तो ऑडिट में खुलासा हुआ कि आईसीयू में कागजों पर तो दर्जन भर मरीज भर्ती थे, लेकिन जब जांच करने टीम पहुंची तो महज 3 मरीज आयुष्मान योजना के तहत आईसीयू में मिले, जिसके बाद इस पूरे फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ। राज्य स्तरीय टीम ने 3 अस्पतालों की आईडी भी सीज की है, जिसमें सबसे पहला नाम रजावत हॉस्पिटल का था, तो वहीं दूसरा नाम नोवा ग्रेस और तीसरा ईसा हॉस्पिटल है। इन तीनों अस्पतालों की आयुष्मान योजना के नाम पर उपचार किए जाने की आईडी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और ये तीनों अस्पताल जांच के दायरे में है। सरकार जिस तरीके से गरीबों को बेहतर उपचार मुफ्त में दिया जा सके, इसके लिए आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनवाए और गरीबों को बेहतर उपचार मिले, लेकिन कहा यह जाता है कि आपदा में भी अवसर ढूंढ लेने वालों की कमी नहीं है, जिसके चलते प्राइवेट अस्पताल इस पूरे फर्जीवाड़े को खेल करते नजर आ रहे थे। जांच में खुलासा हुआ और इसके बाद इन 3 अस्पतालों की आईडी भी बंद की गई है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। देश में यूसीसी को लेकर जहां एक तरफ तमाम मुस्लिम धर्मगुरु विरोध पर उतरे हैं, तो वहीं पासपांदा समाज अब यूसीसी के पक्ष में उतरा है और आज लखनऊ में एक बैठक की, जिसमें तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक के माध्यम से उत्तर प्रदेश में पासपांदा समाज के लोग अब अपने लोगों को जागरूक करेंगे कि यूसीसी में मुस्लिम समाज का कोई नुकसान नहीं है, यूसीसी को लोग गलत तरीके से देख रहे हैं और यूसीसी पर तमाम राजनीति भी शुरू हो चुकी है। इन सब तमाम चीजों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में तमाम जो बातें निकल के आई और तमाम जो कार्यकर्ता इसमें जो लखनऊ या प्रदेश भर के शामिल हुए थे, उनको निर्देश दिए गए कि आने वाले समय में यूसीसी को लेकर एक अभियान चलाया जाएगा और उत्तर प्रदेश में वो लोग जो यूसीसी को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं, उनको जागरूक किया जाएगा। कैप्टन आशीष के साथ रूम सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।
संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन बस स्टैंड के बाहर जहां देर रात तक दुकानें खुली रहती हैं, बता दें जहां पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमेश शर्मा ने व्यापारियों के संग बीते दिनों बैठक की थी और रात 10 बजे तक दुकान बंद कराने के लिए निर्देशित भी किया था। बता दें जिसके बाद सिविल लाइन इंस्पेक्टर ने इस पर कार्रवाई को अमल में लाए और सिविल लाइन क्षेत्र में रात 10 बजे तक दुकानें बंद कराना शुरू कर दी, मगर सिविल लाइन बस स्टैंड के बाहर देर रात तक दुकानें खुली रहती हैं जहां पर अपराधी और दबंग किस्म के लोगों का जमावड़ा भी देर रात तक होता है और कई बार जो बस से यात्री आते हैं उनके साथ कई बार घटनाएं भी होती हैं और इसको देखते हुए अभी भी यहां देर रात तक सिविल लाइन बस स्टैंड के बाहर दुकान खुली रहती है और खुलेआम नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है। बता दें जहाँ सिविल लाइन बस स्टैंड के बाहर देर रात तक दुकानें खुली होती हैं और शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों का यहां पर जमावड़ा भी होता है और सबसे बड़ी बात ये भी है क्या सिविल लाइन बस स्टैंड सिविल लाइन थाना क्षेत्र में नहीं है जो वहां पर इस तरह की आज़ादी दी गई है और सिविल लाइन बस स्टैंड के बाहर खुलेआम नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाकर लोग दुकान खोले हुए हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर प्रयागराज। यूपी के शाहजहांपुर में एक अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर का बताया जा रहा है। यह वायरल वीडियो ओपीडी सेकंड फ्लोर का है और करीब दोपहर का है, लेकिन यह वायरल वीडियो किसने वायरल किया इस बात की जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात है कि इस तरह मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं, इससे आम माता पिता अपने बच्चों को मेडिकल की शिक्षा कैसे दिलवाएंगे। यह वही मेडिकल कॉलेज है जो लगातार सुर्खियों में रहता है। कहीं पर पेशेंट की मौत हो जाती है तो कहीं पर पेशेंट से पैसे की डिमांड की जाती है। जब हमने इस वायरल वीडियो के बारे में प्राचार से जानकारी चाही तो उनका कहना है कि वायरल वीडियो की जांच कराएंगे और बड़ा एक्शन लेंगे, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिरकार इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में इस तरह दिन दहाड़े अश्लील हरकतें हो कैसे रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। फिलहाल वायरल वीडियो की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है, लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस वायरल वीडियो पर प्राचार क्या कार्रवाई करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। राजीव शुक्ला, जनता टीवी, शाहजहांपुर। आवारा पशुओं से जहां किसान पूरी तरह से त्रस्त है, वहीं अब आम आदमी भी इससे बहुत हद तक प्रभावित हो रहा है। आपको बता दूं कि अक्सर हाईवे पे सड़कों पर आम ये आवारा पशु लगातार सड़कों पर बैठे होते हैं और कहीं ना कहीं इनके कारण भी कई हादसे हो जाते हैं, सारी सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं और लोग अपनी जान गंवा देते हैं या कई बुरी तरह घायल भी हो जाते हैं। ऐसा ही एक प्रकरण बचरावा हाईवे से देखने को मिला। किशनपुर क्षेत्र से एक ट्रक गुजर रहा था जो उड़ीसा से अरुणाचल प्रदेश माल लाद के ले जा रहा था और इसी दौरान सड़क पर एक गाय आ जाने के कारण ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और देखते ही देखते वो पूरी तरह से रोड पर बिखर के रह गया। लेकिन खास बात ये रही और शांति की बात ये रही कि ट्रक में सवार ट्रक ड्राइवर और क्लिंगर पूरी तरह से सुरक्षित रहे। लेकिन अभी सवाल उठता है कि जिस तरह से आदमी रात में सफ़र कर रहा है या निरंतर एक हाईवे के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, उस दौरान अचानक अगर इस तरह से जानवर आ जाते हैं तो इस कारण कितने हादसे हो जाते हैं और लोग कहीं ना कहीं अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसे में क्या सरकार या फिर आम इंसान इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं देता कि इस कारण जिस तरह से चीज़ें और घटनाएँ बढ़ रही हैं और जो जानवर जिसके पाले हुए हैं उसको अपने पास क्यों नहीं बांधता, या फिर जो जानवर ज़्यादा हैं अपराध हैं या आवारा हैं उनको गौशाला में क्यों नहीं भेजता, ये एक बड़ा विषय है और इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक चिंता भी लोगों के बीच में रहती है कि इस कारण भी कहीं ना कहीं लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं और अपनी जान भी गंवाते हैं। रावली से जनता टीवी के लिए आफताब खान की रिपोर्ट। मणिपुर में शांति व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ मालवीय आवास गृह पर धरना प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बताते चले, विरोध प्रदर्शन के दौरान मोदी के विरोध में नारेबाजी भी की, चलते डीएम को ज्ञापन सौंपा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आग्रह किया। इस पूरे मामले में मालवीय आवास गृह और कचहरी चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष भूदेव सिंह ने बताया कि मणिपुर मामले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बदायूं डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसको लेकर सभी कार्यकर्ता
मौके पर मौजूद रहे। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं।